फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बिग बॉस सीजन 14 जब से शुरू हुआ है, अलग अलग कंटेस्टेंट्स अलग अलग रीजंस की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। एक कपल के तौर पर भी निकलकर सामने आए थे एजाज खान और पवित्रा पूनिया। हालांकि जब पवित्रा घर से बाहर हुई तो उनके जो रिएक्शन सामने आए, घर के अंदर एजाज के जो रिएक्शन सामने आए, उसको देखकर कहीं ना कहीं लगा कि जब ये दोनों साथ में थे तो चीजें थी, लेकिन शायद ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी गेम को आगे बढ़ाने के लिए। इतने दिन बीत जाने के बाद घर में पहली बार एजाज खान ने पवित्रा पूनिया को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और साथ ही साथ अपनी फीलिंग्स भी बयां की हैं। दरअसल बिग बॉस का एक नया प्रोमो सामने आया है जिसको कलर्स ने शेयर किया है, और इस प्रोमो में ये दिखाई दे रहा है कि सनी लियोनी डॉक्टर बन के घर में एंट्री करेंगी और वो सभी कंटेस्टेंट्स के दिल का हाल जानेंगी और उन्हें कौन सी बीमारी है। मतलब ये सब मस्ती मजाक में एक टास्क होगा कि कौन से कंटेस्टेंट को कौन सी बीमारी है, इसको लेकर सनी लियोनी उन कंटेस्टेंट से पूछेंगी, जानेंगी और वो इस चीज के बारे में रिवील करेंगे। तो ये जो प्रोमो सामने आया है इसमें सनी लियोनी एजाज खान से कहती हुई नजर आ रही है कि पवित्रा को लेकर आपकी क्या फीलिंग्स हैं, और एजाज खान भी कैमरे के सामने ये बयां करते हुए नजर आ रही हैं कि वो बुरी तरीके से पवित्रा को मिस कर रही हैं और वो चाह रही हैं कि काश पवित्रा इस गेम में उनके साथ होती। तो ये एक टर्निंग पॉइंट फिर से एजाज की लव लाइफ के लिए साबित होने वाला है, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में पवित्रा पूनिया को घर में फिर से एंट्री मिल सके, क्योंकि जब से सीजन 14 शुरू हुआ है हम और आप क्या देख रहे हैं, कभी किसी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, कभी किसी की होती है, जनता के वोटों के आधार पर किसी को बाहर निकाला जाता है, उसको फिर से घर में ले आते हैं और उसको नाम दे देते हैं कि सीन पलट गया है। तो हो सकता है जिस तरीके से एजाज ने अपनी फीलिंग्स पवित्रा के लिए जाहिर की है, पवित्रा को एक बार फिर से घर में लाया जा सके। आप बताइए कमेंट करके कि जब ये दोनों घर में थे आपको भी क्या लगता है कि दोनों के बीच में कोई कंपैटिबिलिटी थी, कोई कुछ इनके बीच में था, या सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी। और इसके अलावा जिस तरीके से, जिस एक्सप्रेशंस के साथ एजाज खान ने पवित्रा के लिए अपनी फीलिंग्स को बयां किया है, आपको लगता है कि वो एक सॉफ्ट टारगेट है, वो एक ऑडियंस को लुभाने का एक जरिया है, एक स्ट्रैटेजी है, या फिर वाकई में कुछ तो था दोनों के बीच? कमेंट करके बताइए क्या सोचते हैं दोनों के रिलेशनशिप के बारे में।